हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीक की वीकली फोरकास्ट वीडियो में। दोस्तों, इस वीक हम फिर से यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में एनालाइज करेंगे डेली टाइम फ्रेम एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम में। दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में भी एनालाइज करिएगा। तो इस वीक में हम देखते हैं यूरो यूएसडी करेंसी पेयर डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या सेटअप दिखाई दे रहा है, और 4 आवर के टाइम फ्रेम में इस वीक में हम यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में किस तरीके से एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं, कहाँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस एरिया मार्क कर सकते हैं। ये ड्रॉइंग जो बनी हुई है आप देख पाएंगे, ये प्रीवियस वीक की ड्रॉइंग है। प्रीवियस वीक हमने किस तरीके से एनालाइज किया था, थोड़ा सा यहाँ से हम समझ लेते हैं। दोस्तों, प्रीवियस वीक सबसे पहले तो यहाँ पे हमने देखा है एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार किया था। ध्यान से देखो, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पे मार्केट ने कर दिया था, और यहाँ पे जब मार्केट इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पे हमने एक सपोर्ट एरिया मार किया था। देखो कितना शानदार सा सपोर्ट है ये। ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन का वेव का सपोर्ट है, प्रीवियस टाइम ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया था, तो इसी सपोर्ट जोन को हमने आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया था। और प्रीवियस वीक जब इस लेवल के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा था, दोस्तों ये सपोर्ट हमने मार किया था। हमारा व्यू था कि मार्केट सपोर्ट इस लेवल को ले सकता है, थोड़ा बहुत यहां से बुलिशनेस शो कर सकता है। और देखो आप, ट्रेंड लाइन के वेव को सपोर्ट को कितने अच्छे से मार्केट ने सपोर्ट लिया, रिस्पेक्ट किया, यहीं से मार्केट ने बुलिशनेस शो किया है। डेट के साथ यहां पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो यहाँ प्रीवियस वीक यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, 6 फरवरी को जब मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन हुआ था ना, तो सपोर्ट था ये, क्या था, सपोर्ट जोन था, ट्रेंड लाइन का वेव का सपोर्ट जोन था। और देखो मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लेने के बाद बुलिशनेस शो किया है। अब बात आती है इस वीक में यूरो यूएसडी कहाँ ट्रेड कर सकता है, क्या एक नया हाई लगा सकता है, या यहाँ से मार्केट डाउनफॉल कर सकता है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हमें देखेंगे सेटअप किस तरीके से मार्केट ट्रेड कर सकता है, क्या सेटअप दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्रीवियस वीक का हमारा जो एक सपोर्ट जोन था, प्रीवियस वीक मार्केट ने काफी अच्छे से जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया था, इसी सपोर्ट को हमने आगे के लिए एक्सटेंड किया। तो देखो अभी मार्केट सपोर्ट पे ही लेने के बाद यहाँ से बुलिशनेस शो कर रहा है डेली टाइम फ्रेम में, बहुत अच्छा सा ये सपोर्ट है। इसके साथ में देखो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों हो जाता है, इसके पीछे का लॉजिक, पहला तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का वेव का सपोर्ट है, फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो कैसे ले सकते हैं, सिंपल फिबोनाची को मार करेंगे लो टू हाई। हाई कौन सा है, ये वाला रिसेंट वाला लो एंड हाई, यहाँ पे हम मार करेंगे फिबो को। ध्यान से देखो यहाँ पे लो टू हाई जैसे हम फिबो को मार करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखो फिबो के दो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे सामने निकल के आ जाते हैं, जिसको मार्केट मैक्सिमम टाइम काफी अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। कौन सा लेवल है, 0.5% का लेवल एंड 0.618% का लेवल, जिसको मार्केट मैक्सिमम टाइम काफी अच्छे से रीटेस्ट करने आती है, काफी अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। तो ऐसा ही हो सकता है, मे बी यहाँ से मार्केट एक हायर हाई लगाने के बाद इस लेवल को रीटेस्ट करे और फिर यहाँ से एक नया अप मूव हमें देखने को मिले। डेली टाइम फ्रेम में कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में यहाँ पे अगर हम देखते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं, किस तरीके से यहाँ पे हमें कंफर्मेशन लेना चाहिए। तो दोस्तों 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे हम देखते हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जैसा हमें दिखाई दे रहा है, मार्केट यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लगाने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड जैसा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है मे बी इस सपोर्ट को, सपोर्ट लेने के बाद एक लोअर हाई लगाने के बाद यहाँ से एक लोअर लो भी लगा सकता है, क्योंकि अभी तक 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड जैसा हमें दिखाई दे रहा है। तो बात आती है अब यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद किस लेवल को मार्केट एक लोअर हाई लगा सकती है, किस लेवल को रेसिस्टेंस ले सकती है, ये हम कैसे मार्क करें। ध्यान से देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा आसान है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये रिसेंट वाला हाई एंड लो यहाँ पे हमें मार्क करना है, और फिबो को हाई से लो के लिए मार्क कर देना, हाई से पकड़ना है फिबो को एंड लो के लिए मार्क कर देना। अब देखो यहाँ से फिबो के दो लेवल, रिट्रेसमेंट लेवल 0.5% एंड 0.618% का लेवल निकल के आ जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसी लेवल को अगर हम यहाँ से प्रीवियस टाइम देखते हैं ना, तो मार्केट ने बहुत अच्छे से इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, बहुत अच्छे से सपोर्ट लिया है। ठीक है, यहाँ से अगर हम फिबो को रिमूव करें तो आप अच्छे से समझ पाओगे, जो सपोर्ट यहाँ पे हमने मार्क किया प्रीवियस टाइम देखते हुए, देखो ये सपोर्ट है ना, प्रीवियस टाइम के लिए मार्केट के लिए सपोर्ट था, बट यहाँ पे क्या हुआ, इस सपोर्ट को मार्केट ने काफी अच्छे से प्रीवियस टाइम रिस्पेक्ट किया और इंस्टेंट यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। तो ध्यान से समझो, ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे अब क्या हो सकता है, इस सपोर्ट का रीटेस्ट हो सकता है। अब मार्केट, पहले ये मार्केट के लिए सपोर्ट था,
था, अब ये रेजिस्टेंस हो चुका है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर रिजेक्शन करना है, यहाँ से डाउनफॉल करना है, तो ये लेवल बहुत अच्छा है, मार्केट यहीं से डाउनफॉल कर सकती है। ये एक बहुत अच्छा सा रेजिस्टेंस भी है, साथ ही साथ फिबो का एक काफी अच्छा रिट्रेसमेंट लेवल भी है। कौन सा लेवल है यहाँ पे चेक करते हैं, 1.08314 एंड 1.08113 का ये एक रेसिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, काफी अच्छा सा ये एक रेसिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, मार्केट काफी अच्छे सपोर्ट जोन से आ रहा, तो इस लेवल के आसपास अगर यहाँ से रेसिस्टेंस लेता है तो हो सकता है मैं भी यहाँ से डाउनफॉल करता हुआ यूरो यूएसडी हमें देखने को मिले। अगर यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाना है तो ध्यान दीजिए, ये जो रेसिस्टेंस है, मार्केट इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम भी दिखा सकता है अगर रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो। अब बात आती है किस लेवल का मार्केट हाई लगा सकता है, तो ये यहाँ पे हमें एक दिखाई दे रहा है रेसिस्टेंस जोन, सेकेंड रेसिस्टेंस जोन। लेवल की बात करें 1.09000 के आसपास, ठीक है, बहुत अच्छा सा ये एक रेसिस्टेंस जोन है। क्यों रेसिस्टेंस जोन है, प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस लिया था, तो ऐसे ही इस रेसिस्टेंस का ब्रेक करता है तो सेकंड रेसिस्टेंस के आसपास मार्केट रिस्पेक्ट करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरीके का यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में इस वीक में डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमें एक सिंपल सा सेटअप दिखाई दे रहा है। सिंपल इस वीक में कुछ इस तरह हम सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे दोस्तों इस वीक में यूरो यूएसडी में किस तरीके से हम सपोर्ट रेसिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से थोड़ा नॉलेज मिला होगा, थोड़ा आइडिया मिला होगा इस वीक में यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में हम किस तरीके से एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई, एनालाइज पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।